आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टॉप क्रिकेट अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंपायर्स और मैच के जो कमेंट्री पैनल है वो अनाउंस कर दिया है, उसके वजह से आपके साथ बात करेंगे। दो बड़े प्लेयर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से और पीएसएल से रिटायरमेंट ले ली है, वो भी आपको बताएंगे। इमाद वसीम का एक बड़ा बयान आया है बाबर आजम के हवाले से और पीएसएल के बारे में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को दोबारा ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो चैनल की आपसे मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है पीएसएल के जो अंपायर्स हैं रिचर्ड अंजीब बर्थ, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का इनको अवार्ड मिला है और 2022 में और 2023 में ये बेस्ट अंपायर बने हैं। रिचर्ड अजीम बर्थ इनका नाम है, इनको पीएसएल का जो अंपायरिंग पैनल है उसमें शामिल कर लिया गया है। लोकल अंपायर्स की बात की जाए तो इसमें एहसन रजा हैं, फैसल आफ्रीदी हैं, अजीम डार हैं, ये बड़े बड़े अंपायर जो हैं वो जो अंपायरिंग पैनल है उसका हिस्सा है। इसके बाद जो अपडेट आई है वो पीएसएल के कमेंट्री पैनल्स के हवाले से आई है, जिसमें बड़े बड़े नाम इस दफा आपको देखने को मिले हैं। 17 रुकनी अंपायर का जो एक कहने 17 रुकनी जो कमेंट्री पैनल का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। आपको अगर मैं नाम पढ़ के बताऊं तो साइमन डॉल हैं, निक लाइट हैं, इनके अलावा वरुण फर्नांडर हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2021 के वर्ल्ड कप में बॉलिंग कोच भी थे, ये भी कमेंट्री करेंगे। डैरन गंगा, ये भी फॉरेन कमेंटेटर्स की लिस्ट में शामिल है। इनके अलावा वकार यूनस, ये भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा है। इनके अलावा मरीना इकबाल, ये भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा है। और प्रेजेंटर में जैनब अब्बास और एरन हॉलैंड जो कि बैन कटिंग की वाइफ हैं, ये शामिल हैं। तो बड़े बड़े नाम है, सिकंदर बख्त भी इस कमेंट्री पैनल का हिस्सा है। इसके बाद जो अपडेट आई है वो इमाद वसीम के हवाले से आई है, जिनका बड़ा बयान आया है कराची किंग और बाबर आजम के हवाले से। और इमाद वसीम का ये कहना है कि बाबर आजम एक बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा कप्तान है, बड़ा बैट्समैन है, लेकिन किसी के जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता किसी भी फ्रेंचाइज को। इसका मतलब यह है कि इमाद वसीम ने यह कहा है कि बाबर आजम के जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कराची किंग्स को, और कराची किंग एक नई स्ट्रेटजी बनाएगा और एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ इस दफा पीएसएल सीजन 8 में कराची किंग आपको नजर आएगा इमाद वसीम की कप्तानी में। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है, दो बड़े प्लेयर रिटायर हो गए और इसमें एरॉन फिंच का बहुत बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलिया के बहुत माने जाने कप्तान रह चुके हैं, जाने माने कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने 12 साल का जो T20 का क्रिकेट का कैरियर है वो इख्तिताम किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर एरॉन फिंच की कामयाबियों की आपको बात बताऊं तो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन्होंने किया है T20 क्रिकेट में, 172 रन की ताबड़तोड़ इनिंग इन्होंने खेली थी। इनके अलावा 156 रन भी इन्होंने ही बनाए थे। दूसरे नंबर पर हजरतुल्ला जरजई हैं जिन्होंने 162 रन बनाए हैं हाईएस्ट इंडिविजुअल इंटरनेशनल क्रिकेट में, या आप लीग क्रिकेट में कह रहे हैं T20 फॉर्मेट में। और एरॉन फिंच का इस पर स्टेटमेंट भी आया, उनका कहना यह था कि उनको नहीं लगता कि 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जो USA में और वेस्ट इंडीज में होना है उसके लिए वो फिट रहेंगे, उनकी फिटनेस इतनी नहीं है और वो चाहते हैं कि जो यंग बच्चे हैं ऑस्ट्रेलिया के उनको चांस मिले ऑस्ट्रेलियन टीम में। इसके बाद जो अपडेट आई है वो कामरान अकमल के हवाले से आई है, जिन्होंने ऑफिशियली पीएसएल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कल। और बड़ा शानदार ये कैरियर था कामरान अकमल का एज अ प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी, और ओवरऑल भी देखा जाए तो कामरान अकमल भाई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे, लेकिन पास में जो उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वो उनको ज्यादा लंबा अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को सर्व करने के हवाले से कुछ अच्छे साबित नहीं हुए। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आसिफ आफ्रीदी के हवाले से आई है, जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक लेवल पर भी प्लेयर रह चुके हैं और पीएसएल में भी वही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। मुल्तान सुल्तान के हवाले से उन पर करप्शन के इल्जाम लगे हैं, और उन पर जो करप्शन के इल्जाम लगे हैं फिर पीसीबी ने भी डिसाइड कर लिया कि जो उनके खिलाफ एलिगेशन प्रूव हुए हैं एक करप्शन के हवाले से, पीसीबी ने यह डिसाइड किया कि उन पर 2 साल की पाबंदी किसी भी
जो तमाम तरह की क्रिकेट है, तमाम तरह की क्रिकेट है उस पे उनकी पर पाबंदी लगाई जा रही है। आसिफ अफरीदी अगर आपको याद ना हो तो ये वही आसिफ अफरीदी है जो शादाब खान और इमाद वसीम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का हिस्सा बने थे 2022 में, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान ट्रैवल करके आई थी एरोन फिंच की क्यादत में। एक T20 इंटरनेशनल कटाफी स्टेडियम में जो खेला गया था उसका स्क्वाड का हिस्सा थे आसिफ अफरीदी। इसके बाद जो अपडेट आई है वो आई है BPL से, जहाँ पे पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स अब खेल के वापस आ चुके हैं और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इफ्तिखार अहमद ने, जिन्होंने कोलटा आके भी अकबर बुट्टी स्टेडियम में 6 छक्के मारे पंजाब के वजीर खेल वहाब रियाज को। और अब तमाम प्लेयर्स जो हैं वो PSL का हिस्सा बनने जा रहे हैं, कल से ये प्लेयर्स जो हैं वो PSL का हिस्सा ऑफिशियली बन जाएंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्हम्दुलिल्लाह 600 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए, और ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं उससे, अल्लाह हाफिज़।